भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि बीजेपी की, जो अभी कार्यरत है और पिछली बार 2014 में भी हमारे यहाँ सरकार में रही। आज अब हम जानेंगे कि उन्होंने बापू का यानी कि राष्ट्रपिता का कितना सम्मान किया। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। नमस्कार, भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पल्लवी राय। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी, प्यार से उन्हें लोग बापू कहा करते थे, कहते हैं कि उनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा और इसी वजह से उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया गया और कहीं ना कहीं भारत की बहुल आबादी जो है वो उन्हें अभी भी अपना आइडियल मानती है, अभी भी अपना एक एक बहुत बड़ा अपने अपने जीवन का एक प्रेरणा स्रोत मानती है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी कि जो हमारे यहाँ सत्ताधारी लोग हैं वो जो है महात्मा गांधी का कितना सम्मान करते हैं। हमें याद है एक महिला का जो बीजेपी में है और अभी तो सांसद भी बन चुकी हैं, ये वीडियो देखिए। अभिनेता कमल हसन ने बयान दिया कि नाथुराम गोडसे पहले आतंकवादी थे, आप क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर आप पे भी आरोप लगते रहे, पहले दिग्विजय सिंह ने पहले बार ये शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या कहेंगे नाथुराम गोडसे पे? नाथुराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें, अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि गोडसे जो हैं वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि हमें पता है कि गोडसे जो हैं वो महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी के हत्यारे जो थे वो गोडसे थे, तो कहीं ना कहीं वो महात्मा गांधी की हत्या को भी सही मानती हैं, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहा। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बयान हमारे सामने हमेशा आते रहते हैं जिससे ये पता चलता है कि बीजेपी ने महात्मा गांधी का कितना सम्मान किया। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा है, अभी मैं बात करना चाहती हूँ जिस चीज़ पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ। पटना यूनिवर्सिटी का ये वीडियो है। पटना यूनिवर्सिटी के यूनियन सेक्रेटरी हैं मणिकांत मणि, उन्होंने क्या किया, वो दरअसल ए बी वी पी के हैं, ए बी वी पी के सदस्य हैं मणिकांत मणि। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में जो कैंपस के अंदर ही है उसमें उन्होंने अपने कार्यालय में 25 जून को हिटलर की जयंती मनाई, हिटलर का जन्मदिन मनाया उन्होंने। ये उनकी स्वेच्छा हो सकती है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ मुझे आपत्ति किस बात की है। यहाँ मुझे आपत्ति इस बात की है कि वहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी के पोस्टर को हटाकर वहाँ पे हिटलर का फोटो लगाया है। वहाँ और भी बहुत से महापुरुष, वहाँ सिर्फ महात्मा गांधी का ही पोस्टर नहीं था, वहाँ पे बहुत से महापुरुषों का पोस्टर था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस। इन सभी महापुरुषों में से उनको सबसे ज़्यादा खटक किसकी थी, उनको सबसे ज़्यादा खटक कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से थी, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के पोस्टर को हटाकर वहाँ पर हिटलर की फ़ोटो लगाया। हिटलर की फ़ोटो लगाकर हिटलर की जयंती मनाने के बाद उन्होंने एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वो महात्मा गांधी के ख्यालात से और नज़रियात से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिटलर कॉमप्रत थे, हिटलर को वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ मुझे आपत्ति ये है कि एक इंसान जो हमारे देश के आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करता है उससे आप ताल्लुकात नहीं रखते, और वो इंसान जो कहीं ना कहीं उस पर ये आरोप है कि उन्होंने करोड़ों लोगों की जान ले ली उसको आप सपोर्ट करते हैं। इसके बाद एक बयान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनका भी है, उन्होंने भी कहा कि जब से महात्मा गांधी की फ़ोटो नोट पर आई है तब से वो डिवैल्यू हो गई है, यानी कि नोट की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई क्योंकि उस पर महात्मा गांधी की फ़ोटो आ जाती है। अब खुद सोचिए, अगर ऐसी घटना JNU में हुई होती तो उसको मीडिया का हेडलाइन बनाया गया होता, लेकिन ऐसी खबर जो 25 जून को घटी उसको मीडिया तक में कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया, मीडिया में किसी भी मीडिया में इसे नहीं दिखाया गया। बीजेपी में RSS के अधिकतर लोग हैं और RSS की एक विचारधारा है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं नज़र आती है, तो ऐसे में जो बार बार ऐसी बातें निकल के आती हैं और स्वस्थ भारत मिशन लागू करते वक्त महात्मा गांधी का चश्मा लगाकर ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमारे यहाँ जो बीजेपी की सरकार है वो महात्मा गांधी के विचार से बहुत सहमत है और हर बार
ये कहते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की इतनी पुण्यतिथि में हम ये काम करेंगे, और पूरे साल जो है बार बार महात्मा गांधी के नाम से कई योजनाएं चलाना, महात्मा गांधी का नाम ले लेकर ये बार बार जताने की कोशिश की जाती है कि महात्मा गांधी के विचार से सहमत होने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने ही सदस्यों के बीच में ये जो मनमुटाव है, ये जो जो एक सोच है जो, उसको कैसे ख़त्म कर पाएगी। मुझे यहाँ आपत्ति सिर्फ इतनी है कि वहाँ पे महात्मा गांधी के साथ हिटलर की भी फ़ोटो लगा देनी चाहिए थी। उनको फ़ोटो हटाकर ये कहना कि मैं महात्मा गांधी के विचार से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखता हूँ और हिटलर कॉम्प्रत हैं, हिटलर एक एक अच्छे इंसान है, उनको हम सपोर्ट करते हैं, क्या ये चीज़ हमारे भारत में सहनी है? क्या हम अपने महापुरुषों से दूर जा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।